अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ग्रेड क्विज, जो कि 28 जून को हो रहा है और इसके इंशाल्लाह लाइव टाइम पर आपके साथ शेयर की जा रही है। और कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसका करेक्ट जो है आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैनेजर एस्टेब्लिश गोल्स, ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की है तो ये हो गए टॉप मैनेजर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटिटेटिव अप्रोच हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन द एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल, कंट्रोल एंड लीडिंग। क्वांटिटेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव लेना चाहिए। चले जी, इसको हम यही सूटेबल है क्योंकि सारे ऑप्शंस ये लेता है ऑपन सिस्टम। अच्छा जी, फोर क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग और गोइंग एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट गोल अटेनमेंट इज डिफाइंड एस। मॉनिटरिंग और करेक्टिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको किया जाता है कंट्रोलिंग के अंडर, और इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल चेंज इनटू कस्टमर प्रोडक्ट इज टर्म्ड एस। यस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इनपुट जब डालते हैं वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका लेंगे। अच्छा जी, मैकग्रेगर थ्योरी दैट इंप्लाइज फॉलो सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बी कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क इज गॉड। इसका आसान लफ्ज में मतलब ये है कि वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, अपना काम खुद ही करते रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है थ्योरी वाई, तो हम इसका ऑप्शन लेते हैं चौथे वाला, फोर्थ ऑप्शन लेते हैं, और हम इसको करते हैं लॉक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, नेस्ले एंड ICI हैव टेकन स्टेप टू एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशूज इन देयर ओवरसीज फैक्ट्रीज, दिस रिप्रेजेंट दैट दिस कंपनीज हैव। आप अगर इसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टडी करेंगे तो आपको चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही लगेगा, तो मैं फोर्थ ऑप्शन इसका ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्म। तो ये था फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रथ ने ये किया था, तो हम इसका ऑप्शन लेंगे तीजा, तीसरा, और हम इसको लॉक कर देंगे और हम अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ओके जी, कल्टीवेटिंग आ लर्निंग कल्चर वेयर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स सिस्टमेटिकली गैदर नॉलेज एंड शेयर इट विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है नॉलेज मैनेजमेंट, कि आपकी कंपनी के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट है कि सीखने सिखाने वाला इन्वायरमेंट है, तो इसको नॉलेज मैनेजमेंट कहा जाता है। दूजा ऑप्शन हम लेते हैं जी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन एंड फ्री मार्केट्स इन ग्लोबल कंटेक्स्ट। ये स्कार्स रिसोर्स जब आ जाए वर्ड या एलोकेशन रिसोर्स है तो समझ आए कि वहां पे इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो हम इसको करेंगे फोर्थ ऑप्शन और हम इसको लॉक करेंगे। आगे है जी, क्रिएटिविटी इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव स्किल्स एक्सपर्टीज एंड डैश इंटरसेक्ट। क्रिएटिविटी इज फॉर्म्ड, तो इसका हम ऑप्शन लेंगे पर्सनैलिटी और हम इसको कर देंगे लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्रिएटेड द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल। तो हम इस पे ऑप्शन लेंगे फोर, ह्यूगो बस्टरबर्ग। तो जी, 30 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट द सोशल ऑब्लिगेशन।
ठीक है जी, आपने अपने माशरे का ख्याल रखना है, तो आसान लफ्ज़ में बताऊँ आपको, तो अप्लाइंग सोशल क्राइटेरिया टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फर्म्स कैपेसिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग सोशल कंडीशन, फर्म्स कैपेसिटी टू गिव बैक टू दी सोसाइटी दैट बेनिफिट्स, फर्म्स कैपेसिटी टू परसू लॉन्ग टर्म। तो हम ऑप्शन इसका लेंगे तीसरा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स द मैनेजर दैट मैनेजर व्हाट ही और शी कैन और कैन नॉट डू। तो ये होगा जी रूल, रूल के मुताबिक आपने करना है, रूल के मुताबिक, रूल ही बताते हैं कर सकते हैं, रूल के मुताबिक आप नहीं कर सकते, रूल आपको क्लियर कर देते हैं। तो आओ इसका ऑप्शन लेंगे रूल 4। ठीक है जी, ऑप्शन आप ले लिया 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिक्वायर्स रेजोल्यूशन बट डज नॉट सीक द, आई थिंक नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम है, यस नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम, तो ऑप्शन बी जो है ना इसका सूटेबल है। ड्यूरिंग स्टेज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट्स आर एनालाइज्ड, नहीं सॉरी, ही एक्टिवेट्स की एक्टिविटीज आर एनालाइज फॉर चेंज इन कंडीशन दैट इंडिकेट प्रॉब्लम्स। ओके, ये स्कैनिंग, यस स्कैनिंग स्टेज के ऊपर जो है ना आप स्कैन कर लेते हैं सिस्टम को, बीज के आप देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ जो भी मसाइल आपके सामने आ जाते हैं, स्कैनिंग अब सेकेंड ऑप्शन इसका लेंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली स्ट्रक्चर्ड टेक्निक डिजाइंड टू कीप पर्सनल इंटरेक्शन एट अ मिनिमम लेवल। तो हम इसका ऑप्शन लेंगे सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आर पोजिशन एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो दीज आर फॉर टॉप मैनेजर्स, तो वो सिंपल क्वेश्चन है, इसको टॉप मैनेजर पे लॉक कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड मटीरियल, ये तो होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसका, वो जो आपको मटीरियल देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको पहला ऑप्शन इसका ले लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो जी इसके लिए हमने आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले तो आपको आपके प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, तो हम इसको लॉक कर देते हैं चौथे में। ए रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर काज ऑफ विच ऑफ द फॉल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, हम इसको लॉक करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ, तो इसका ऑप्शन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग मेथड हैज अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज टाइम होराइजन, टू लॉन्ग कहा इसने, मीडियम टू लॉन्ग, तो मीडियम टू लॉन्ग टेक्नोलॉजिकल होता है, तो ये हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, अच्छे से नोट्स देखने पड़ेंगे। डेल्फी मेथड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्ट, इसमें क्योंकि जजमेंट ली जाती है एक्सपर्ट्स की, तो हमें जजमेंटल फोरकास्ट लेना चाहिए ऑप्शन इसका। क्वेश्चन 25th, द इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ होम शॉपिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, होम शॉपिंग, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, देयर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, इस वजह से मेरा ख्याल है इसका ऑप्शन 4 लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ग्लोबलाइजेशन,
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजिंग टोटल ऑर्गेनाइजेशन? विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजिंग टोटल ऑर्गेनाइजेशन? वो हमें जो ऑप्शन वन लेना चाहिए इसका। ओके जी, इसका हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लेते हैं। टेक्निकल स्किल्स आर मोस्टली रिक्वायर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल? तो फर्स्ट लाइन मैनेजर के लेवल पे हमें ये टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी या डिसिप्लिन? ऑल नेक्स्ट है जी, सोशियो इकोनॉमिक व्यू इज दैट मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट टू। तो इसके साथ ही हमारा क्विज कंप्लीट हो गया है, और वेरिफिकेशन के बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर तमाम आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा, करेक्ट जो होंगे, अदरवाइज इसी को करेक्ट समझा जाए। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।